गुड मॉर्निंग फर्स्ट ईयर के सभी स्टूडेंट्स को। हम लोग रिक्शिया पढ़ रहे थे। ब्रायोफाइट्स के जनरल कैरेक्टर्स के बाद मैंने आपको रिक्शिया का जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है और इंटरनल यानी उसके एनाटॉमी के बारे में कंप्लीट बता दिया था। अब आज हम उसका पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन, कि रिक्शिया के अंदर जनन कैसे होता है। रिप्रोडक्शन रिक्शिया में दो प्रकार से होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी चार प्रकार से है, फ्रेगमेंटेशन, एडवेंटिशियस ब्रांचेस, परसिस्टेंट अपाइसिस और ट्यूबर के माध्यम से। सबसे पहले फ्रेगमेंटेशन, जो कायिक जनन होता है उसमें बहुत कॉमन होता है फ्रेगमेंटेशन। किसी भी सुकाय में या थैलस में जो ओल्डर पोर्शन होता है, जो पुराना पार्ट हो जाता है, जो जिसकी उम्र ज़्यादा हो जाती है, उस पोर्शन को ओल्ड एज के कारण वो पोर्शन टूट जाता है या ब्रेक डाउन हो जाता है, और या उसके सेल्स की डेथ हो जाती है। और सेल्स की डेथ होते होते जब डाइकोटमस एरिया पे पहुंचती है, डाइकोटमी का मतलब होता है जहाँ से दो शाखाएं निकल रही है। मान लीजिए ये पूरा ओल्डर पोर्शन है और यहाँ से ये दो शाखाएं निकली हुई हैं, एक इधर, तो इस पोर्शन को बोलते हैं पोर्शन ऑफ डाइकोटमी। ठीक है, यहाँ पे सेल्स की डेथ होनी शुरू होगी क्योंकि ये ओल्डर पोर्शन है। डेथ होते होते, कोशिकाओं की डेथ होते होते यहाँ तक आ जाएगा। जैसे यहाँ पे आएगा ये पोर्शन ऑलरेडी अलग हो जाएगा क्योंकि यहाँ तक डेथ हो गई, ये पोर्शन अलग हो जाएगा। ये दोनों जो पोर्शन अलग हो जाते हैं ऊपर के, वो नया रिक्शिया का थैलस बना लेंगे। तो इस तरीके से फ्रेगमेंटेशन के माध्यम से रिक्शिया में जनन होता है। एडवेंटिशियस ब्रांचेस, एडवेंटिशियस ब्रांचेस, जैसे ये डॉर्सल सरफेस है, ये पीछे का वेंट्रल सरफेस है रिक्शिया का, ये डॉर्सल सरफेस, ये वेंट्रल सरफेस। वेंट्रल सरफेस में सेंटर में बिल्कुल जो मीडियन, जो मैंने बताया था ना मिडरिब जो होती है, उसके सेंटर से कुछ शाखाएं निकलती हैं, वो शाखाएं सेपरेट होके अलग होकर के नया थैलस बनाती हैं। उन शाखाओं को कहते हैं एडवेंटिशियस ब्रांचेस। फिर है परसिस्टेंट अपाइसिस। ये रिक्शिया की एक जो स्पीशी है रिक्शिया डिसकलर, इसके अंदर पाया जाता है। इसमें क्या होता है, ये जो थैलस है उसकी जो शीर्ष की कोशिकाएं होती हैं, अपाइसिस होती है, वो जमीन के नीचे दब जाती हैं, जमीन में दब जाती हैं, और वो बची रहती हैं, वो जिंदा रहती हैं। बाकी सारा पोर्शन जो है वो जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, लेकिन जो अपाइसिस हैं वो ज़मीन के नीचे रहती हैं और वो ज़िंदा रहती हैं, ये वाला टिप के पोर्शन। और जब फेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो वो ज़मीन से ऊपर आकर के और पूरा का पूरा नया थैलस वापस बना देती है। इसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन बाई परसिस्टेंट अपाइसिस। ट्यूबर रिक्शिया डिसकलर और रिक्शिया बेसिकेटा, ये दो प्रजातियाँ ऐसी हैं जिसमें ये एपिकल जो पोर्शन है वहाँ से कुछ ट्यूबर्स निकलते हैं, कुछ ट्यूबर्स निकलते हैं और ये ट्यूबर्स सेपरेट होकर के नया रिक्शिया का थैलस बनाते हैं। तो ये हुआ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन रिक्शिया के अंदर। अब मैं आपको बताऊंगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिक्शिया के अंदर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले देखिए, जो प्रजातियां होती है रिक्शिया की वो दो प्रकार की होती हैं। या तो वो मोनीशियस होंगी, मोनीशियस का मतलब है एक ही थैलस के ऊपर नर और मादा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनते हैं, यानी जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है उसको एंथेरिडियम कहते हैं, मैंने पहले जनरल कैरेक्टर्स में बताया है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को आर्किगोनियम कहते हैं। जब एंथेरिडियम और आर्किगोनियम एक ही थैलस में बनते हैं तो वो स्पीशीज हो जाती है मोनीशियस। जब एंथेरिडियम अलग थैलस में बनता है और आर्किगोनियम अलग थैलस में बनता है तो वो स्पीशी कहलाती है डाइशियस, जो कि बहुत कम है, बहुत कम स्पीशीज डाइशियस है, जैसे रिक्शिया डिसकलर, रिक्शिया फ्रॉस्टाइल, ये जो स्पीशीज है ये डाइशियस स्पीशीज है जिनमें अलग अलग थैलस पे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बनते हैं नर और मादा के। ज़्यादातर स्पीशीज कैसी होती है रिक्शिया की, मोनीशियस, जिसमें एक ही थैलस पे एंथेरिडियम और आर्किगोनियम बनता है। अब हम पढ़ते हैं एंथेरिडियम जो बनता है वो कैसा दिखता है। देखिए ये जो थैलस है रिक्शिया का, इसमें डॉर्सल सरफेस पे ये जो मिडरिब वाला पोर्शन है, इस मिडरिब वाले पोर्शन पे धसे रहते हैं चैम्बर्स, कुछ ग्रूव्स होते हैं, गड्ढे टाइप होते हैं, जो गड्ढा उसके अंदर धसे हुए रहते हैं एंथेरिडियम, थोड़ी सी टिप उसकी बाहर को निकली रहती है केवल, बाकी सारे उस थैलस के अंदर धसा हुआ रहता है। जो मैच्योर एंथेरिडियम होता है वो ऐसा दिखता है, ये थैलस का पोर्शन है, थैलस के अंदर ये पूरा जो गड्ढा है, ग्रूव है, इसको बोलते हैं एंथेरिडियल चैम्बर,
इस चैम्बर के अंदर है एंथेरिडियम, ये चैम्बर बाहर से खुल रहा है एक छिद्र से जिसको बोलते हैं ऑस्टियोल, और ये जो मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है ये एंथेरिडियम है, जो नाशपाती पियर शेप या ओवल आकृति का अंडाकार होता है। इसमें एक सिंगल लेयर है जैकेट जो कि स्टराइल है, जो कि रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेती। एक सिंगल जो परत है पूरे एंथेरिडियम की, सिंगल लेयर की परत जिसको हम जैकेट बोलते हैं, वो स्टराइल होती है, वो रिप्रोडक्शन में उसकी कोशिकाएं भाग नहीं लेती हैं। नीचे ये बहुकोशिकीय यानी मल्टी सेलुलर स्टॉक है जिससे इस चैम्बर के अंदर ये अटैच्ड रहता है, कौन? एंथेरिडियम। इस एंथेरिडियम में बहुत सारी कोशिकाएं हैं, प्रत्येक कोशिका कहलाती है एंड्रोसाइट मदर सेल। प्रत्येक कोशिका क्या लगती है? एंड्रोसाइट मदर सेल। इस एंड्रोसाइट मदर सेल का न्यूक्लियस काफ़ी बड़ा होता है, साइटोप्लाज्म डेंस होता है, इसके अंदर एक विभाजन होगा, डायगोनल विभाजन होगा टेढ़ा, जिससे ये ट्रायंगुलर शेप के दो एंड्रोसाइट्स बनते हैं। प्रत्येक एंड्रोसाइट मदर सेल में दो एंड्रोसाइट्स बनेंगे। यहाँ पे देखिए, मैंने शुरू में बताया था जो मेन प्लांट बॉडी होती है ब्रायोफाइट में, वो एक गैमेटोफाइट है, और गैमेटोफाइट हमेशा क्या होता है? हैप्लॉइड होता है। तो यहाँ पे किसी भी तरीके से आपको मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये सब हैप्लॉइड है। यहाँ एक सिंपल विभाजन हुआ, इस विभाजन से ये दो एंड्रोसाइट्स बने। प्रत्येक एंड्रोसाइट का जो साइटोप्लाज्म है वो कॉइल होकर के इस तरीके से कॉइल हो जाएगा और एंथ्रोजॉइड बनाएगा। इसमें दो फ्लैजेला लगे रहते हैं, ये दो कशापिकाएं हैं, ये केंद्रक है, ये कॉइल स्ट्रक्चर यानी एक एंड्रोसाइट एक एंथ्रोजॉइड बनाएगा, और एंड्रोसाइट मदर सेल से, प्रत्येक एंड्रोसाइट मदर सेल से दो एंथ्रोजॉइड्स बनते हैं। इस एक एंथेरिडियम में कई हजार एंथ्रोजॉइड्स बनते हैं, और जब पानी एब्जॉर्ब कर लेता है ये एंथेरिडियम तो ये बर्स्ट हो जाता है, खुल जाता है, और ये एंथ्रोजॉइड्स निकल करके बाहर इस ऑस्टियोल से निकल कर बाहर पानी में आ जाते हैं। रिप्रोडक्शन के लिए चूँकि फ्लैजिला है वो तैरेगा, नमी की आवश्यकता होती है, रिक्शिया के लिए भी नमी की आवश्यकता है, जनन तभी कंप्लीट होएगा। तो ये जो एंथेरिडियम का मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, इससे क्या बनकर के तैयार हो गए? इससे एंथ्रोजॉइड्स बनकर के तैयार होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप पढ़ाती हूँ आर्किगोनियम, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसको हम आर्किगोनियम कहते हैं, ये आर्किगोनियम भी धंसा रहता है थैलस के अंदर डॉर्सल सरफेस में। इसका नेक का कुछ हिस्सा उस थैलस के जिसे अंदर धंसा हुआ है, थोड़ा सा पोर्शन नेक के बाहर को ऊपर को निकला रहता है। जिस चैम्बर में ये धंसा रहता है उसको बोलते हैं आर्किगोनियल चैम्बर। आर्किगोनियम का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का जो स्ट्रक्चर है, इसमें दो पार्ट होते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इनके नेक है, और नीचे का जो फूला हुआ पोर्शन है इसको वेंटर कहते हैं, ठीक है। इसमें एक सिंगल लेयर की ये स्टराइल जैकेट है जो कवरिंग है, ये नेक सिंगल लेयर्ड नेक है। नेक के अंदर देखो एक दो तीन चार ये कोशिकाएं दिख रही है जिसको नेक कैनाल सेल्स कहते हैं, NCC नेक कैनाल सेल्स। जो फूला हुआ पोर्शन जिसको हम वेंटर कहते हैं, उसमें एक कोशिका है वेंटर कैनाल सेल यानी BCC, और दूसरा बड़ी कोशिका, छोटी कोशिका तो वेंटर कैनाल सेल है, और बड़ा कोशिका जो है ये एग सेल है जिसके अंदर एग रहता है, कंप्लीट एग रहता है, ये एग न्यूक्लियस है, ओके। अब ये पूरा का पूरा थैलस है जिसके अंदर ये धंसा हुआ है ये आर्किगोनियम, और ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है, मल्टी सेलुलर स्टॉक है जिससे ये आर्किगोनियम चैम्बर के अंदर ये अटैच रहता है आर्किगोनियम, ओके। अब आता है फर्टिलाइजेशन। जैसा कि मैंने अभी बताया था, एंथेरिडियम वाटर एब्जॉर्ब करके बर्स्ट हो जाता है, एंथ्रोजॉइड्स बाहर निकलते हैं पानी में स्विम करके, वो यहाँ आर्किगोनियम की तरफ आते हैं। लेकिन आर्किगोनियम की तरफ कब आते हैं? जब ये वेंटर कैनाल सेल और नेक कैनाल सेल्स चारों डिजॉल्व होकर म्यूसिलेज बना लेते हैं। वेंटर कैनाल सेल और ये चार क्या है, नेक कैनाल सेल जो कि चार से छः हो सकते हैं, ये डिजॉल्व हो जाएंगे, इससे म्यूसिलेज बनेगा। ये कवर सेल भी डिजॉल्व हो जाते हैं, इससे म्यूसिलेज बनता है, और म्यूसिलेज वाटर एब्जॉर्ब करता है, वाटर एब्जॉर्ब करने से फूलता है और ये खुल जाता है, कवर सेल्स भी खुल जाते हैं, और इस म्यूसिलेज में से एक स्मेल निकलती है जिससे अट्रैक्ट होकर एंथ्रोजॉइड्स इसमें प्रवेश करते हैं। इसको बोलते हैं कीमोटैक्टिक मूवमेंट। किसी स्मेल से कोई चीज़ अट्रैक्ट होकर आती है, मूवमेंट करती है, तो वो कहलाती है कीमोटैक्टिक मूवमेंट। तो एंथ्रोजॉइड्स का जो मूवमेंट होता है इसके अंदर, वो कीमोटैक्टिक मूवमेंट होता है,
और इसमें से जो पहले यहाँ पे, क्योंकि ये सब तो डिजॉल्व हो चुका है, नेक कैनाल सेल और वेंट्रल कैनाल सेल सब डिजॉल्व हो गए, यह पैसेज बन गया। इस पैसेज से, रास्ते से इस एग के पास में जो भी एंथ्रोजोइट पहले फर्टिलाइज करेगा तो बाकी के सारे बाहर निकल जाएंगे, चले जाएंगे, केवल एक फर्टिलाइज करेगा और एग को किस में चेंज कर देगा, ये जायगोट में चेंज कर देगा। अब देखिए, जब इस एग का फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो ये जायगोट बन जाएगा। इसी जगह पे यही जायगोट चेंज होगा स्पोरोफाइट में। यही जायगोट जो एग फर्टिलाइजेशन निषेचन के पश्चात जब ये जायगोट बन जाएगा तो यही जायगोट परिवर्तित होता है किसमें, स्पोरोफाइट में, और इस थैलस पे ही अटैच रहता है वो स्पोरोफाइट। और थैलस क्या है, गैमेटोफाइट है। थैलस क्या है, गैमेटोफाइट। उस गैमेटोफाइट पे स्पोरोफाइट अटैच रहता है। अब मैं आपको जो स्पोरोफाइट डेवलप होगा इस जायगोट से, ये एग फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बन गया जायगोट, ये जायगोट परिवर्तित हो जाएगा स्पोरोफाइट में, उसका स्ट्रक्चर मैं आपको बताती हूँ। अब आपको बताती हूँ स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरोफाइट, जो कि बनता है निषेचन यानी रिप्रोडक्शन के बाद में। जब रिप्रोडक्शन हो जाता है यानी फर्टिलाइजेशन हो जाता है किसका, एग का, किसके माध्यम, किसके द्वारा, एंथ्रोजोइट के द्वारा, तो जायगोट बन जाता है। इस जायगोट में ये बढ़ता जाता है, पहले साइज बढ़ाता है, वेंट्रल की जितनी भी साइज थी पूरी उसको ऑक्यूपाई कर देता है। धीरे धीरे ऊपर से जो नेक है वो झड़नी शुरू हो जाती है, किसकी, आर्किगोनियम की नेक झड़ने लग जाती है, और वेंट्रल की जो कोशिकाएं हैं, आउटर लेयर है, उसमें विभाजन होकर इसके चारों तरफ एक अलग से एक्स्ट्रा कवरिंग बननी शुरू हो जाती है, जिसको कैलेप्ट्रा कहते हैं। जायगोट में सिंपल माइटोसिस हो रही है, देखो अर्धसूत्री विभाजन अभी नहीं हो रहा है, और दो, एक से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से सोलह, इस तरीके से संख्या बढ़ती जाती है कोशिकाओं की, कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है। और बाहर की जो एक परत है, सिंगल परत, इसको बोलते हैं कैलेप्ट्रा, जो कि एक कवरिंग बनती जा रही है, और ये पूरा का पूरा एरिया कवर किसके अंदर धंसा हुआ है, थैलस के अंदर धंसा हुआ है। ये थैलस का स्टोरेज रीजन है, जो कि मैंने आपको इंटरनल स्ट्रक्चर बताया था, तब बताया था। ये देखिए फोटोसिंथेटिक रीजन, जिसमें फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स है, जो कि मैंने इंटरनल स्ट्रक्चर में बताए थे। तो यहाँ तक ये आ जाता है, इसके लेवल में आ गया है, और बाकी अंदर धंसा हुआ है। स्पोरोफाइट जो हम ब्रायोफाइट का पढ़ते हैं, ब्रायोफाइट्स का, उसमें तीन पार्ट होते हैं, फुट, सीटा और कैप्सूल। मैंने आपको बताया था जनरल कैरेक्टर में स्पोरोफाइट तीन पार्ट्स का होता है, फुट, सीटा और कैप्सूल। लेकिन रिक्शिया का जो स्पोरोफाइट है उसमें फुट और सीटा दोनों एब्सेंट होते हैं। फुट और सीटा दोनों एब्सेंट है, केवल कैप्सूल है ये। और कैप्सूल स्पोरोफाइट का वो पार्ट होता है जिसके अंदर स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। तो रिक्शिया के स्पोरोफाइट में केवल कैप्सूल पाया जाता है और फुट और सीटा दोनों एब्सेंट होते हैं, नहीं पाए जाते। जो लास्ट जो डिवीजन होने के बाद में जो लास्ट जो स्टेज होती है वो स्पोर मदर सेल्स की होती है। स्पोर मदर सेल्स में फिर मियोसिस होती है। अब देखिए, जब ये विभाजन होते होते कई सौ सेल्स बन जाएंगे तो लास्ट जो स्टेज होगी कोशिकाओं की उसको बोलेंगे स्पोर मदर सेल, और फिर प्रत्येक स्पोर मदर सेल में होगी मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन, ओके। मियोसिस होने के बाद में प्रत्येक स्पोर मदर सेल ऐसा नजर आएगा, स्पोर टेट्राड। प्रत्येक स्पोर मदर सेल किसमें चेंज हो जाएगा, स्पोर टेट्राड में, क्योंकि मियोसिस के बाद चार कोशिकाएं बनती हैं, जो न्यूक्लियस है वो चार में विभाजित होता है और प्रत्येक केंद्रक हैप्लॉइड हो जाता है। प्रत्येक कोशिका कैसी हो जाती है, हैप्लॉइड हो जाती है, क्योंकि क्या हुआ है, अर्धसूत्री विभाजन। जो स्पोरोफाइट था ये पूरा डिप्लॉइड था, क्योंकि जायगोट में कोई मियोसिस नहीं हुई थी। जब स्पोर्स बनेंगे, स्पोर टेट्राड बना, तब यहाँ पे मियोसिस हुई है, और प्रत्येक स्पोर मदर सेल में चार स्पोर बन के तैयार हो रहे हैं। जब तक ये जुड़े रहते हैं इनको बोलते हैं स्पोर टेट्राड। अब क्या होता है, ये बाहर कैसे निकलेंगे, इसमें ये जो कैलेप्ट्रा है ये धीरे धीरे डिके, सड़ करके हट जाएगा, अपने आप स्पोर्स बाहर नहीं निकलते, इंतजार करते हैं इस पूरे थैलस का और कैलेप्ट्रा के डीजनरेट होने का, सड़ने का और उसका डिजॉल्व होने का। जब ये डिजॉल्व हो जाएगी तब ये स्पोर्स वहीं के वहीं जमीन पे पड़े रहेंगे, टेट्राड से सेपरेट हो जाएंगे। ये टेट्राड था ना, चार स्पोर्स, एक दो तीन और एक इसके पीछे, वहां से ये सेपरेट होकर सिंगल स्पोर हो गया। अंदर वाली इंटाइन है, बाहर वाली एक्जाइन है इसकी लेयर,
और ये स्पोर्स वही जमीन पे पड़े हुए हैं, हवा के माध्यम से ये बहा लिए जाएंगे, उठा लिए जाएंगे या उड़ा के दूसरे स्थान पे पहुंचा दिए जाते हैं। जहाँ पे नमी होगी वहाँ पे ये स्पोर जर्मिनेट होकर के नया गैमेटोफाइट बनाएगा, रिक्शिया का नया थैलस बनकर के तैयार होगा। तो आप ये देखिए रिक्शिया का ये कंप्लीट जो जीनस है ब्रायोफाइटा है, इसमें मैंने आपको बताया किस तरीके से गैमेटोफाइट से शुरुआत हुई थी। गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद गैमेटोफाइट के ऊपर ही ये स्पोरोफाइट बना है, ये थैलस है ना, गैमेटोफाइट ही है, उसके ऊपर ये स्पोरोफाइट बना है, स्पोरोफाइट से स्पोर बने और स्पोर ने पुनः किसको जन्म दिया, गैमेटोफाइट को जन्म दिया। तो इस तरीके से ये रिक्शिया का जीनस कंप्लीट होता है। मैं समझती हूँ आप सबको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।